हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार फ्रेंड, मेरा नाम है सतीश पवार और हमारे यूट्यूब चैनल आईटेक हिंदी पे आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि व्हाट्सएप के ऊपर नया ट्रेंड चल रहा है जो कि स्टिकर भेजने का, जिसे कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे भेजा जा सकता है, आज हम इसके बारे में फुल डिटेल से जानकारी बताएंगे। इसके साथ में और एक बोनस जानकारी देंगे जिसे आप ट्राई करोगे तो यकीनन आप व्हाट्सएप पे छा जाएंगे। आपका हर फ्रेंड यही कहेगा कि भाई आपने ये कैसा किया, ये मुझे भी सिखाओ। बने रहेगा मेरे साथ में। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे टेक भरी वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आजकल व्हाट्सएप पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है स्टिकर भेजने का, जैसे कि कुछ कार्टून के हो गए, कुछ गॉड के हो गए, ऐसे स्टिकर हम दूसरों को भेज के लोगों को चौंका सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे आप ये स्टिकर अपने दोस्त को भेजोगे तो आपका हर एक दोस्त यही कहेगा कि भाई ये तूने कैसा किया। तो फ्रेंड, आज हम बताएंगे इस वीडियो में कि वो स्टिकर कैसे भेजा जा सकता है। फ्रेंड, आपको स्टिकर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर से एक ऐप्स डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है माय पर्सनल स्टिकर। फ्रेंड, इस ऐप को आप डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे आप इस ऐप्स को डाउनलोड करोगे, सबके नीचे में एक प्लस वाला आइकॉन दिखेगा, उस प्लस वाले आइकॉन को क्लिक करके आपको बहुत सारे स्टिकर दिखाई देंगे। तो फ्रेंड, आपको उस ऐप्स में एक हर तरह का ग्रुप बनाना है, जैसे हर ग्रुप में मिनिमम 3 स्टिकर होने चाहिए, 3 स्टिकर से ज़्यादा भी चलेगा लेकिन मिनिमम 3 स्टिकर ऐड होना चाहिए। जैसे आप उसमें 3 स्टिकर ऐड करके ऐड वाले बटन पे क्लिक कर लोगे तो आपके वो 3 स्टिकर या तो 3 से ज़्यादा स्टिकर वो आपके व्हाट्सएप के स्टिकर पे दिखाई देगा। तो फ्रेंड, इसी तरह से आपको हर एक ग्रुप में 4, 5, 6 जैसे हर तरह के, कुछ गॉड के हो गए, कुछ नेम के हो गए, हर एक तरह के फ़ोटो या तो स्टिकर ऐड कर लेना है। तो फ्रेंड, जैसे आप वो ऐड कर लोगे आपको उस ऐप से बैक करना है। फिर बाद में फ्रेंड, आप लोगों को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे जाना है, अपने फ्रेंड को चैट वाले बटन पे क्लिक करके, जैसे आप चैट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो फ्रेंड नीचे में जो है स्टिकर वाला आइकॉन दिखाई देगा, तो स्टिकर वाले आइकन को क्लिक करोगे तो उसमें फ्रेंड आपने जो स्टिकर ऐड की है वो स्टिकर इसमें दिखाई देंगे। उस स्टिकर को सेलेक्ट करके हम किसी भी फ्रेंड को सेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से हम अपने दोस्त को कुछ स्टिकर सेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आप लोगों को ये ऐप जो है हर तरह के स्टिकर देती है और हमेशा इस ऐप्स को अपडेट करते रहिए, हर तरह के स्टिकर आपको इस ऐप्स में मिलते रहेंगे। फ्रेंड, ये तो था कुछ स्टिकर दोस्त को सेंड करने का कुछ आइडिया, लेकिन फ्रेंड आप लोगों को कुछ एक बोनस आइडिया देने वाला हूँ। इस बोनस आइडिया से आप अपने ग्रुप में या तो आपके दोस्त के नज़रों में छा जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वो आइडिया है अपना खुद का स्टिकर बना के अपने दोस्त को सेंड करने का। इसके लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में अपने हाई बाय पोजिशन वाली फ़ोटोज़ अपने मोबाइल में क्लिक करके ले लेना है। आप किसी भी ऐप से उस फोटो का बैकग्राउंड इरेज कर लीजिए और फिर उसको PNG वाली फाइल बना लीजिए। फिर आपको फ्रेंड कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, जो मैंने ऐप बताई उसी ऐप में जो आपने एक ग्रुप बनाया है उस PNG फोटो को ऐड कर लीजिए। वही फ़ोटो आपको अपने व्हाट्सएप के चैट फाइल में दिखाई देगा और वो फ़ोटो सेलेक्ट करके आप किसी भी फ्रेंड को किसी ग्रुप में हाई बाय वाली पोजीशन में भेज सकते हैं। तो फ्रेंड, ये ट्रिक कैसी लगी और मेरा वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और फ्रेंड, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही टेक भरी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।